You remember this picture? PM Narendra Modi with some of the top stars of Bollywood along with some top directors. इस पिक्चर के बाद ना ऐसा लगने लगा था कि अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हर कोई मुद्दे पर डायरेक्टली पॉलिटिकल लीडर से बात कर सकते हैं और इसी पिक्चर को इस्तेमाल करते हुए एक्ट्रेस सायनी गुप्ता ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है ऑन सोशल मीडिया, जहां पर जामिया प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंड अपेरेंटली दिल्ली पुलिस आर बीइंग ब्रूटल ऑन द स्टूडेंट्स। सायनी गुप्ता ने इन सारे सेलिब्रिटीज को टैग करते हुए ये पूछा है, मे बी इट्स टाइम टू स्पीक अप गाइस। मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, यू थिंक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को खुलकर इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए? संडे को जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस रहा द साइट ऑफ क्लैशेस बिटवीन द पुलिस एंड द स्टूडेंट्स ओवर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस पर बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया के थ्रू अपने व्यूज शेयर किए हैं, जहां कोंकणा सेन शर्मा, स्वरा भास्कर और फिल्म मेकर अलंकृता श्रीवास्तव और अनुभव सिन्हा जैसे सेलेब्स ने दिल्ली पुलिस के इस एक्ट को कम्प्लीटली डिसअप्रूव किया है। वहीं तापसी पन्नू, ऋचा चड्डा, विशाल ददलानी, विक्रांत मैसी जैसे सेलेब्स ने भी इस पर अपने व्यूज शेयर किए हैं। दूसरी तरफ कोयना मित्रा ने दिल्ली पुलिस को सपोर्ट किया है, जबकि रणवीर शौरी ने अपने ट्वीट के थ्रू एजुकेशन और पॉलिटिक्स को सेपरेट रखने की बात की है। आपको बता दें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए वो सभी इलीगल इमिग्रेंट्स जो 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले भारत आए हैं और हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियंस है, इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है, लेकिन इस बिल में मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।